मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह के अंदर ले जा रहा हूँ। ये कोई सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर वगैरह नहीं है, उससे भी ज़्यादा काम की चीज़ है। इतिहास की सभी महान सभ्यताओं ने आर्किटेक्चर फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इजिप्ट ने हमें दिए पिरामिड्स, ग्रीस ने दिए कोरिंथियन कॉलम्स और हमारे भारत ने दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया स्टेपवेल से। आर्ट, आर्किटेक्चर और पब्लिक वेलफेयर का ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। हम आज एक ऐसे ही 500 साल पुरानी स्टेपवेल के अंदर जा रहे हैं जो 5 मंजिल जमीन के नीचे है। हर एक लेवल पर बेहतरीन नक्शेदार पिलर्स हैं और लोगों को बैठने के लिए स्टोन लेजेस भी प्रोवाइड की गई है। दिस स्टेपवेल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ महमूद बेगादा, द रूलर ऑफ गुजरात सल्तनत। लेकिन सवाल ये है कि इन स्टेपवेल्स को किसने और क्यों बनाया? भारत में करीब 3000 स्टेपवेल्स हैं। किसी समय इनमें से कुछ स्टेपवेल्स व्यापारियों की हुआ करती थी, कुछ राजघरानों की थी तो कुछ सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। इनके 3 यूजेस थे। राजघरानों की रानियां और राजकुमारियां इनका इस्तेमाल नहाने और एंटरटेनमेंट के लिए करती थी। अभी मैं इस स्टेपवेल के अंदर हूँ और मुझे महसूस हो रहा है सन्नाटा, एकदम हॉरर मूवी जैसा साइलेंस। बट इमेजिन कीजिए, सदियों पहले म्यूजिशियंस यहाँ अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, जिसका आनंद उठाते हुए रॉयल फैमिली के लोग स्विमिंग करते थे, पानी से खेलते थे और गर्मियों के दौरान एक नेचुरल कूलिंग इफेक्ट का मजा लेते थे। ज़्यादातर स्टेपवेल्स राजस्थान और गुजरात में बनी है क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा से ही गर्मी के दिनों में हीट वेव को एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं और ये स्टेपवेल्स उन्हें भीषण गर्मी से राहत दिलाते हैं। सेकंडली, इन स्टेपवेल्स का इस्तेमाल रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए होता था और लास्टली कॉमन लोग इसको पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते थे, पर हर किसी को इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। आयरनी ये है कि ज़्यादातर मामलों में इन स्टेपवेल्स को बनाने वाले मजदूरों को ही इसे इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी। इंडिया की रिजिड कास्ट सिस्टम की वजह से उस समय निचले जाति के लोगों को पब्लिक वाटर रिजर्वायर्स यूज करना अलाउड नहीं था। मैं जिस स्टेपवेल के अंदर हूँ उसे ट्रैवलर्स के लिए एक रेस्टिंग प्लेस की तरह बनाया गया था और मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। गर्मी का सीजन है, बाहर टेम्परेचर है 43 डिग्रीज, पर फिर भी अंदर मुझे एकदम ठंडा लग रहा है। द वॉल्स ऑफ दिस स्टेपवेल कंटेन संस्कृत एज वेल एज पर्शियन इंस्क्रिप्शंस। संस्कृत इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये स्टेपवेल दिसंबर 1499 AD को बनाई गई थी और नीचे शासक का नाम भी मेंशन किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में करीब 3000 स्टेपवेल्स हैं, बट फिलहाल सिर्फ 400 ही यूजेबल कंडीशन में है। किसी ज़माने में यही स्टेपवेल्स विलेज के सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए पानी यहीं से मिलता था। बट फिर मॉडर्न वाटर सिस्टम के इन्वेंट होने के बाद लोगों ने इन स्टेपवेल्स को निगलेक्ट कर दिया। अभी आपको कुछ शॉकिंग आंकड़े बताता हूँ। टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन में से 16% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, पर इंडिया के पास वर्ल्ड के सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है ब्राज़ील के पास 12%, जिसमें से 70% रिसोर्सेज ब्राज़ील को अमेजन फॉरेस्ट बेसिन से मिलते हैं। अब पता चला पेड़ लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत के लगभग 17% ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स ओवर एक्सप्लॉयटेड है, ऐसा हमारी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट बताती है। यानी हमारे देश में पानी को बहुत तेजी से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, पर उतनी तेजी से ग्राउंड वाटर जमीन में रिचार्ज नहीं हो रहा। इसके पीछे कई कारण हैं, डिफॉरेस्टेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ती हुई पानी की डिमांड। पर आखिर ग्राउंड वाटर एक्वाफर होता क्या है और वो जमीन में कैसे फंक्शन करता है? ये है हमारे घर का बहुत पुराना कुआं। मेरी फैमिली पानी के लिए इस पर टोटली डिपेंडेंट है। अब जरा अंदर झांकिए। आपको क्या लगता है कहाँ से आया होगा ये पानी? क्या जमीन में पानी की नदियाँ बह रही है? नहीं, ये काम है ऐसे पत्थरों का। जब वाटर बेयरिंग रॉक्स जमीन के अंदर से झीलों और कुओं तक पानी पहुंचाते हैं तो उन पत्थरों को एक्वाफर्स कहते हैं। उन्हीं की वजह से पानी जमा होता है, पर जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन से बहुत ज़्यादा है। जितना पानी इकट्ठा नहीं हो रहा उससे कई ज़्यादा हम निकाल रहे हैं। यही कारण है कि इंडिया की मेजर सिटीज़ आज वाटर क्राइसिस फेस कर रही है, और यही पर ये प्राचीन स्टेपवेल्स मददगार साबित हो सकती है। कई सिटीज़ और विलेजेस जो वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं वो ऐसे ही एंशियंट वाटर स्टोरेज टेक्निक्स और सिस्टम्स का फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश में है। कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स, हिस्टोरियंस और अर्बन प्लानर्स इन स्टेपवेल्स को फिर से इस्तेमाल में लाने की कोशिश में जुटे हैं। वो ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ग्राउंड वाटर लेवल को बूस्ट कर सकता है। मिलिए फ्रांस में पैदा हुए केरॉन रॉन्सली से। ये पिछले 5 सालों से राजस्थान के जोधपुर सिटी के स्टेपवेल्स की क्लीनिंग के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोग उन्हें जोधपुर का एक्वामैन कहते हैं। उनकी एफर्ट्स की वजह से जोधपुर के 10 प्रेशियस वाटर रिजर्वायर्स की सफाई हुई है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं 2014 में जोधपुर आया तब मैंने इन खूबसूरत स्टेपवेल्स को देखा, पर इन प्राचीन आर्किटेक्चरल मार्वल्स और यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को निगलेक्टेड देखकर मैं हैरान हो गया।
इसीलिए मैंने इनको साफ करके उनको फिर से अच्छी कंडीशन में लाने का तय किया। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से हम हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल की हुई टेक्निक्स और सिस्टम्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। टेक फॉर एग्जांपल द सिटी ऑफ बैंगलोर। भारत की ये सिलिकॉन वैली सीवियर वाटर क्राइसिस फेस कर रही है। ज्योग्राफिकली ये सिटी ओशन लेवल के 900 मीटर्स ऊपर बसी हुई है और सिटी के आसपास कोई बड़ी रिवर्स या वाटर बॉडीज भी अवेलेबल नहीं है। आज से करीब 1400 साल पहले प्राचीन भारत के वेस्टर्न गंगा राजवंश को इस प्रॉब्लम के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने इस रीजन में तालाबों का नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया। 16 सेंचुरी में विजयनगरा एम्पायर के गवर्नर केम्पे गौड़ा ने कैस्केडिंग लेक सिस्टम को इन्वेंट किया, जिसने इस शहर की किस्मत बदल दी। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक तालाब अगर भर जाए तो बाकी पानी अगले तालाब में फ्लो हो जाता है। ये सिस्टम फ्लड कंट्रोल और वाटर कंजर्वेशन में काम आता था। ये सेल्फ सस्टेनिंग लोकलाइज्ड लेक्स मैनमेड होते थे, रेन वाटर को स्टोर करते थे ताकि लोग इसके पानी का इस्तेमाल खेती बाड़ी और डोमेस्टिक यूज के लिए कर सके। ये सिस्टम इतना एफिशिएंट और ब्यूटीफुल हुआ करता था कि जब ब्रिटिश पहली बार इस सिटी में आए तो उन्होंने बैंगलोर को नाम दिया द सिटी ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों का शहर। ये जानते हुए कि हिस्टोरिकली बैंगलोर अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए झीलों, तालाबों और मैनमेड वाटर टैंक्स पर निर्भर रहा है, मॉडर्न सोसाइटी के लोगों ने इन तालाबों को क्लीन रखने पर ध्यान ही नहीं दिया। आज पोल्यूशन के कारण लगभग सारे लेक खत्म हो चुके हैं और फिलहाल बैंगलोर में ये हाल है कि मॉडर्न ड्रिलिंग टेक्निक्स का यूज करके भी 1800 फीट तक खोदने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा। जब ये तालाब क्लीन थे तब 100 फीट पर भी पानी मिल जाता था। गवर्नमेंट के थिंक टैंक के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 21 बड़ी सिटीज इंक्लूडिंग बैंगलोर का ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। अगर इस प्रॉब्लम पर जल्दी काम नहीं किया गया तो 2050 तक भारत को अपने GDP में 6% का लॉस हो सकता है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। कभी कभी हमें बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा और नेचर की रिस्पेक्ट करनी होगी। प्राचीन झीलों और स्टेपवेल्स को रिवाइव करके वाटर क्राइसिस सॉल्व तो नहीं होगा, पर इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। एनीवे, ये है भारत की 3 सबसे खूबसूरत स्टेपवेल्स जिनके कंस्ट्रक्शन के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। चांद बावड़ी, राजस्थान। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेपवेल्स में से एक है जो प्राइमरीली बनाई गई थी वाटर कंजर्वेशन के लिए और भीषण गर्मी से राहत मिलने के लिए। ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जिसमें उतरने के लिए है 3500 परफेक्टली सिमेट्रिकल सीढ़ियां। रानी की वाव, अ टेस्टिमोनी टू लव। यह है इंडिया की 100 रुपए की नोट जिसके पीछे एक स्टेपवेल की फोटो है जो सरस्वती नदी के किनारे बनी है। रानी की वाव इकलौती ऐसी स्टेपवेल है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। इसके अंदर बनी है 800 मूर्तियां जो भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों को डिपिक्ट करती है। किसी समय इसके सबसे निचले लेवल पर शाही परिवार के लिए खुफिया रास्ता हुआ करता था। 100 रुपए की नोट पर इसका फोटो छपने की वजह से ये प्लेस आज फेमस हो चुकी है। अदलज स्टेपवेल, अ टेल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। इसे बनाने का फरमान निकला था रानी रुदाबाई ने, जो वाघेला राजवंश के शासक वीर सिंह की पत्नी थी। वो दंडाई देश नामक एक छोटे से राज्य पर शासन करते थे। इस स्टेपवेल के कंस्ट्रक्शन के पीछे बड़ी सैड स्टोरी है। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, राज्य में पानी की भारी कमी थी, इसलिए राजा ने इस स्टेपवेल को बनाने का फैसला लिया। पर इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होता इससे पहले ही राजा की लड़ाई हुई गुजरात के सुल्तान के साथ और इस युद्ध में उनकी मौत हो गई। इसके बाद गुजरात का सुल्तान रानी रुदाबाई से शादी करना चाहता था। रानी ने बस एक शर्त पर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, सुल्तान महमूद बेगादा को इस स्टेपवेल का कंस्ट्रक्शन पहले पूरा करना होगा। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद रानी रुदाबाई ने कुछ साधु संतों को पानी में स्नान करने के लिए बुलाया। वहाँ पे पूजा भी की ताकि ये पानी पवित्र हो जाए। फिर अचानक रानी ने इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। ये तो हुई ट्रेजेडी नंबर 1। दूसरी तरफ सुल्तान इस स्टेपवेल के आर्किटेक्चर से इतना इम्प्रेस हुआ था कि वो चाहता था कि ऐसा कोई स्टेपवेल और ना बने, इसलिए उसने एक और ट्रेजेडी को अंजाम दिया। उसने इसे बनाने वाले कारागीरों को मार दिया। उनकी कब्रें आज भी इस कुएं के आसपास देखी जा सकती है। अगर आप ऐसी ही कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेपवेल्स को देखना चाहते हो तो टिकट बुक करो और निकल पड़ो गुजरात और राजस्थान के लिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप युद्ध, खून खराबा और विश्वासघात के परे जाकर मानव इतिहास समझना चाहते हो। लाइक, शेयर एंड गुड बाय।